हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मेरे पास में एक लड़की को उसके माँ बाप ने लाया। उसकी उम्र 14 साल की, और लाया इसलिए कि ये खाना ही कम खाती, खाना ही खाती नहीं, एकदम कम। उसका वजन काफ़ी कम हो चुका, एकदम थिन, मतलब चमड़ी और हड्डी, मतलब ऐसी बची हुई। उसको जब पूछा गया कि और बताइए उसको क्या हो रहा है, तो उसको ऐसा डर था कि अपन मोटे हो जाएंगे, मोटी दिखेंगे, और फिर मोटी दिखेंगे तो लोग अच्छे नहीं बोलेंगे, इसलिए फिर उसने खाना ही कम कर दिया। ये जो है, इसको पूछा पूछा कि क्या हो गया, कहाँ से शुरू हो गया, तो करीब करीब 6 महीने से ऐसा शुरू था। जब और डिटेल हिस्ट्री में पूछा मैंने, तो उसने बताया कि भाई एक बार उसके स्कूल में उसके दोस्त ने बोल दिया, क्योंकि आजकल तू ज़रा ज़्यादा मोटी दिख रही है, हालांकि मोटी नहीं थी, ज़्यादा मोटी दिख रही है, ऐसा किसने कमेंट पास कर दिया। तो उसको इतना लग गया कि उसने उस दिन से खाना ही छोड़ दिया, एकदम कम खाना। ये जो बीमारी है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा। ये बीमारी है, इसमें होता क्या है कि ये लोगों को ऐसा बार बार लगता है कि अपन मोटे हैं, और मोटे हैं इसलिए खाना कम करना, और एक बार दुबले पतले हो गए तो मोटा नहीं होना करके खाना कम खाते हैं। उनको बोन्स, मतलब चमड़ी और हड्डी इतनी दिखता है, मतलब मांसपेशी कुछ रहती नहीं है, इतना कम खाना हो जाता है। उनका वजन कम रहता है, बहुत ही वजन कम रहता है, और वजन बढ़ेगा इसलिए वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोजा, मतलब सब तरह की जो मानसिक बीमारी है, सभी मानसिक बीमारियों में, बीमारियों से जो मृत्यु होती है, तो सभी मानसिक बीमारियों से मृत्यु होना एक तरफ, और एनोरेक्सिया नर्वोजा की वजह से मृत्यु होना एक तरफ, मतलब इससे ज़्यादा मृत्यु होना ज़्यादा समय दिखाई देता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा एनोरेक्सिया नर्वोजा से मृत्यु होती है। एक तो क्या होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोजा, मतलब कम खाना खाने से वजन कम होता है, और फिर बाकी सारी बीमारियां लगती हैं वजन कम होने से। विटामिन्स कम हो जाते, फैट नहीं रहते, और जितना कैलोरीज कंजम्पशन है उतना कैलोरीज उनको मिलता नहीं है, तो बाकी सारी बीमारियां हो जाती है, और जिसकी वजह से उनको मृत्यु हो सकती है, या फिर सुसाइड, खुदकुशी करके इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोजा, इसमें मेनली, मैं दोबारा बोलता हूँ, इसमें मेनली ये होता है कि भाई खाना कम खाना शुरू होता है, इतना खाना कम खाते हैं कि बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है, एकदम दुबला पतला व्यक्ति हो जाता है, और नॉर्मल जितना वेट होना चाहिए उससे भी कम वेट, कम वजन उनका रहता है, और कोई भी हालत में उनको कुछ भी खाने के लिए दो वो खाते ही नहीं। अब इसके लिए कोई दवाइयाँ भी है कि जो दवाई देके उनकी भूख बढ़ सकती है, मगर मेन जो देखना है कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ। जैसे मैंने मेरे केस स्टडी में बोला कि भाई ये शुरू हुआ कहाँ से, कि भाई किसने बोल दिया कि तू मोटी हो रही है या मोटी दिख रही है। अब वो उनके साथ में बातचीत करके कि उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि मोटापा मतलब क्या, मोटा होंगे तो क्या होगा, मोटा होंगे तो आजकल क्या है कि लड़कियां तो बहुत जागरूक हो गई है, लड़के लोग भी बहुत जागरूक है, सभी लोग जागरूक है, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर वो जागरूकता से, वो जागरूकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो खाना ही कम कर डालते, और उससे फिर नए नए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा किया, किसने ऐसा बोला, क्या दिमाग में आया कि जिसकी वजह से उन्होंने खाना कम कर दिया, तो उसके जड़ तक जाना जरूरी है, और उसका इलाज वहाँ होता है, और वो यदि हम करते नहीं हैं तो फिर मृत्यु भी इसमें हो सकती है। कम प्रमाण में खाना वो ठीक है कि भाई थोड़ा कम खा रहे, मगर वो इतना कम खाना कि आपका वजन दिन ब दिन रोज कम होते जा रहा है, तो ये खतरे का साबित हो सकता है। आपके परिचित ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको, स्पेशली लड़कियां जिनको ऐसा ये बीमारी होंगी, तो जरूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, आपके फेसबुक, मतलब फेसबुक के ऊपर डालो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाने में आपका हाथ भर लगेगा, आपका हाथ लगेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि भाई व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, तो वो सफल करने में आपका हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।